वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन दिस इज़ Sheen चौधरी तो कैसे हैं आप सब लोग आई होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ आज सबसे पहले वीडियो का टाइटल डिस्कस करते हैं वीडियो का टाइटल है नूरा फतेह परफॉर्मेंस इन ढाका कैंसड कैंसल बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट तो बांग्लादेश के लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो एक एक जो है वो प्लान और बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बना के और बहुत सोच समझ के जो है बंगलादेश को आगे लेके जा रहे हैं तो उनका ये मानना है कि जो है जब हम इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं तो उनको फजूल जो है वो ख़र्च करना बिल्कुल ग़लत बात है नूरा फतेह जो है वो एक डांसर हैं इंडिया की तो उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो कैंसिल कर दिया गया वीडियो हम देखेंगे कि उसकी क्या रीज़न है वीडियो स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट द वीडियो थ्री टू वन स्टार्ट बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका पाकिस्तान में अक्सर अवकात बांग्लादेश का मवाजना किया जाता है इकानमी का पाकिस्तान की इकानमी के साथ और ये एक कुदरती अमर है क्योंकि बांग्लादेश एक वक्त में पाकिस्तान का हिस्सा था और ज़माने में ये कहा जाता था कि बांग्लादेश जो है वो मगरबी पाकिस्तान के ऊपर बोझ है बंगाली ये कहते थे कि नहीं वो पट्सन वहाँ उगती थी पटसन का वो कहते थे कि जी वही बाहर एक्सपोर्ट होती है और उसी की वजह से पाकिस्तान की इकानमी चलती है सो आपस में बहुत सारे अख्तलाफा रंजिशें थीं और टैक्स कलेक्शन वगैरह बंगलादेश से कम थी सो अक्सर अवत मगरबी पाकिस्तान में ये बात की जाती थी कि बंग्लादेश जो है वो आमदन कम जनरेट करता है लेकिन अखराज वहाँ पर ज़्यादा हैं लेकिन आज सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है वहाँ पर कहा जाता है कि उनके जो रिज़र्व्स हैं वो कोई थर्टी फाइव टू फोर्टी बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व हैं वहाँ पर मसाइल आए हैं कोविड की वजह से और हालात जो दुनिया में रिसेशन आई ऑर्डर्स वगैरह कैंसल हुए लेकिन उसके बावजूद उनके पास टेक्सटाइल और जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनका बिज़नेस उनके पास बहुत है ठीक है उसमें उनको फैसिलिटेट uh, किया होगा अमेरिका ने भी क्योंकि ये बास मुल्कों को जिनको उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये गरीब थे या गरीब हैं उनको वो फैसिलिटेट भी करते रहें तो कुछ रीज़न्स ऐसे होंगे लेकिन इन चीज़ों की बुनियाद पर मुल्क तरक्की तो नहीं करते तरक्की करने की वजूहत कुछ और होती हैं हम सियासी तौर पर ये जानते हैं कि बंग्लादेश की पॉलिसी जो हैं वो भारत की पॉलिसी से ताबे हैं लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश अपने मफादा के दिफा में भारत से कभी भी दबा नहीं उन्होंने अपने मफादा को अच्छी तरह उसका दिफा किया है और चाइना के साथ ताल्लुक वगैरह बेहतर किए बढ़ाए चाइना से भी उन्होंने ख़ासी मदद ली जो शायद भारत को पसंद ना हो लेकिन उसके बावजूद वो करते रहे पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनकी मोहब्बत का ये आलम है कि वो जहाँ से कोई बिजली का मसला आया कि जी बिजली अवेलेबल नहीं कम है सर्विसेज की कोई प्रॉब्लम आई तो हमारे भाइयों ने अपनी इंडस्ट्रीज़ उठा के कोई श्रीलंका ले गया कोई बांग्लादेश जा के ले गया हमने ये नहीं किया कि हम यहाँ पे कोई हल ढूँढें उसका और उसकी उस उस हल को ढूंढ के तो उसके ज़रिए इंडस्ट्री चलाएं ताकि अपने मुल्क को ही फ़ायदा हो लेकिन हमारी हुबुलवतनी वहीं आके ख़त्म हो जाती है जहाँ हमारे ज़ाती मफादा का मसला आ जाता है अब ये सारी चीज़ें चल रही थी लेकिन मैं बहुत सारी और छोटी मोटी बातें हैं जिनका मुवजन करना चाहता हूँ जिसका तल्लुक हुबुलवती से भी है जिसका ताल्लुक अपने वतन के मसाइल से भी है और आपके खलूस से है कि आप दिलोजान से चाहते हैं कि आप अपने मुल्क के लिए काम करें आजकल इकॉनमी का शोर है बहुत ज़्यादा भी इंपोर्ट किया गया है सागदार साहब को बाहर से और वो इकानमीमी के लिए काम करेंगे लेकिन कितना करेंगे ये इशूज़ यहाँ मौजूद हैं और हमारी इकानमी के इश्यूज इस वक्त बांग्लादेश के मसाइल से कहीं ज़्यादा हैं लेकिन हमारे तौर तरीके जो हैं वो बहुत ही ग़लत और बुरे हैं मैं एक मिसाल बांग्लादेश की आपके सामने रखता हूं। बांग्लादेश में एक फंड रेजिंग का प्रोग्राम बना जहां उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर कुछ प्रोग्राम करके उससे फंड रेजिंग करनी थी आजकल सुनने में आता है कि कोई रकासा है नूरा फाते ही जो कि गालिबा मराकश की रहने वाली है लेकिन भारत में सकूनत रखती है और भारत में ही गालिबा उसको शरीयत मिल गई होगी भारत की क्योंकि वही काम कर रही है उसको उन्होंने इंगेज किया और उसने मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम्स करने थे इन प्रोग्राम्स में नवंबर के गालबन महीने में प्रोग्राम्स करने थे और लाखों डॉलर्स का सौदा था यहाँ भी ये डॉलर्स में ही होता है ये लोग डॉलर्स में लेते हैं बंगाली करेंसी में तो नहीं लेंगे या इंडियन रुपी वो डॉलर्स में लेंगे डॉलर दुबई में या कहीं रखा जाएंगे ये सारा कुछ तय पा गया और बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने उस वक्त ये कहा कि यह दौरा फ़ौर मनसूख किया जाए आज कल के माशी हालात में हम कतन अफोर्ड नहीं करते कि हम बाहर से रकासा बुलाएं और उसके उसके ऊपर अपने डॉलर्स ख़र्च करें उन्होंने कहा कि डॉलर ऐसी घटिया चीज़ नहीं है कि उसको यूँ लुटाया जाए लिहाजा फ़ौरी तौर पर नूरा फतेही का जो एग्रीमेंट था उसको कैंसिल कर दिया गया उसके मुकाबले में अब यहाँ देखिए कोई पूछने वाला नहीं बेशुमार शादियाँ यहाँ पर जो बहुत अमीर तबका खाता पीता तबका है वो भारत से सिंगर मंगवाते हैं थर्ड क्लास किस्म का वैसे तो पाकिस्तान में भी सिंगर जो ये महफिलें जैसे नुसरत फतेह अली के ख़ानदान के लोग हैं वो बहुत बहुत पैसे लेते हैं बहुत बड़ी रकमें लेते हैं लेकिन बार शुरू वो पाकिस्तानी रुपए में दी जाती हैं और वो फिर यहीं रहती है पाकिस्तान में ही आपकी जेब से निकला तो किसी और की जेब में गया तो पाकिस्तान में खर्च हुआ लेकिन इसको तो छोड़ दें स्टेटस का मसला ये है कि भारत से सिंगर मंगवाया जाएगा वहाँ के वो पंजाबी पॉप सिंगर और इस तरह के जो कि बिल्कुल ऐसे आके स्टेज के ऊपर हुआ करके चले जाते हैं उनको दुबई में लाखों डॉलर्स की पेमेंट की जाती है मैंने कुछ दिन पहले एक शादी यही इस्लामाबाद में अटेंड की जिसमें भारत का सिंगर एक बुलाया हुआ था किसी ने वो दो दिन यहाँ उसने परफॉर्म किया और मेरा ख़्याल है वो भी डॉलरों में लाखों नहीं तो हज़ारों डॉलरों में तो लेके गया होगा यहाँ से क्या हमें ये एहसास नहीं कि हम अपने डॉलर यूँ ज़ाया ना करें अच्छा ये एक मद है कि ये आप डॉलर ज़ाया करते हैं पिछले दिनों आपको याद होगा कि भारत से जहाज आके यहाँ ख़राब होते रहे कराची में वो वाह मचा तो रुके वरना अचानक रोजाना कोई जहाज खराब और वो कराची उतर गया जी यहाँ से डॉलर जाने शुरू हुए अंदर की बात लोग यही बताते हैं वो कहते हैं जी यहाँ से डॉलर जा रहे थे कौन थे क्या करते थे किसी ने पकड़ा ही नहीं एक तो यहाँ पे सारी मशीनरी इस वक्त जो है वो वो नाकाम हो चुकी है क्योंकि जब एक मुल्क की हाकमियत करप्ट माफ़िया के हाथ में चले जाती है तो वो तो सबूत को ग़ायब करना जानते हैं सबूत मुहैया करना नहीं जानते वो तो उन्होंने करना ही नहीं होता और ये किस किस्म की रियासत है कि कोई रियासत की मशीनरी ऐसी नहीं जिसने जहाज़ों को चेक किया और फिर कह दिया कि जनाब वो तो ख़राब होते थे आ जाते थे रुक जाते थे ना पहले कभी ख़राब हुए ना खराब होते हैं सो so, वो पैसा बाहर जाता रहा हम बेरहम हैं हम हम िम हैं हम जुल्म करते हैं अपने ही मुल्क पर हम ऐसे ालम हैं कि हम बेरहम भी हैं और ालम भी हैं हम ये नहीं सोचते कि आखिर ये काम कब तक चलेगा ये मुल्क बचेगा इसके अंदर से सब कुछ निकल रहा है पहले ही खोखला हो चुका है ये क्योंकि जितना कर्जा हमने बढ़ा दिया वो तो हम पूरा नहीं कर सकते वो तो देने के काबिल नहीं है हम तो आगे के चलेंगे कैसे कोई पूछने वाला नहीं अब भारत से सिंगर माना मंगाने का मुझे कोई बताए कि उसका दुख क्या है भारत एक पैसा यहां नहीं लगाना चाहता आपके मुल्क में और आप वहीं के लोगों को बुला के यहां से कमाइयां अपनी दे रहे हैं और फिर भारत के जहाज आके यहां से आपको कराची से आपकी करप्शन उठा के लेके जाए ये वो दुख है जो इंसान की समझ से ज्यादातर है कि हम यही रहते हैं जिस शाख पे बैठे हैं उसी को काटने का काम कर रहे हैं किसी को ये शर्म और हया नहीं किसी को सोच नहीं कि ये शाख कटी तो धड़म नीचे जाएंगे जी तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो पाकिस्तान के ये रिटायर्ड जनरल थे जनरल अमजद शुएब तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट के बारे में जैसा कि हम जानते हैं बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कैसे अपने मुल्क को लेके चल रही है और एक एक चीज़ और एक एक पाई जो है उसका हिसाब रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टली चल रहे हैं इसके अलावा जो उनकी स्ट्रेटजीज़ होती हैं अपने मुल्क में जितने भी उनके प्लान्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट काम कर रहे हैं उसी हवाले से उन्होंने बात की नूरा फतेह जो डांसर है जो इंडिया की डांसर है उन्होंने बांग्लादेश में आना था और वहाँ पे उनकी कुछ परफॉर्मेंसेस थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स लाखों डॉलर जो है वहाँ से अर्न करने थे लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जो है ये एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल कर दिया कि हम अपनी इतनी मेहनत से कमाए गए पैसे जो हैं वो एक डांसर पर ख़र्च नहीं कर सकते तो बहुत अच्छा डिसीजन है कि वाकई में जो पैसा इतनी मेहनत से कमाया गया और जो हालात चल रहे हैं कोरोना के बाद और फ्लड्स के बाद तो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया उसके मुकाबले में इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो एक तरफ़ लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं जो अमीर तबका है वो अपनी शादियों पे दिखाने के लिए सिर्फ दिखावे के लिए जो सिंगर्स हैं वो इंडिया से मंगवाते हैं और पाकिस्तान में भी हालांकि बहुत अच्छे सिंगर्स हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए इंडिया से सिंगर्स बुलाए जाते हैं और फिर वो हज़ारों डॉलर्स लेके जाते हैं और पाकिस्तान का जो पैसा है वो इंडिया में चला जाता है वैसे इंडिया और पाकिस्तान के जब ताल्लुक चल रहे हैं दोनों गवर्नमेंट्स के और इंडिया की गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में एक रुपया लगाने को तैयार नहीं है लेकिन ये बेवकूफ़ी की ही बात है कि सिर्फ दिखावे के लिए हम अपने ऊपर अपने मुल्क के ऊपर जुल्म करते हैं और हम ख़ुद अपनी जो कमाई है वो इंडिया भेज रहे हैं तो बांग्लादेश जो है उनकी तरक्की का यही राज है बांग्लादेश से सीखना चाहिए कि गवर्नमेंट से सीखना चाहिए उनके लोगों से सीखना चाहिए कि उन्होंने जो है वो एंड टाइम पर जो है वो ये एग्रीमेंट कैंसिल किया और अपने जो डॉलर्स थे वो इंडिया के रिकास को देने से इनकार किया यही बातें होती हैं यही असूल होते हैं जिसकी वजह से जो मुल्क है और कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं दैन बांग्लादेश गवर्नमेंट हमें बांग्लादेश की गवर्नमेंट से और बांग्लादेश के लोगों से सीखना चाहिए ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जा कर मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं आप अपनी पसंदीदा वीडियो रिकमेंड कर सके मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टेल दिन स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी स्टे ऑसम अल्लाह